अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे खैरियत से आप? उम्मीद करता हूँ भाई ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। अगर आप लोग ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा अगर पसंद आती है तो। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे टॉपिक तो बड़ा मज़ेदार है, आज का इंटरेस्टिंग है, वो तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के हवाले से जो पाकिस्तान में बिजली प्रोवाइड करती है, बिजली वाले जिसको अमूमन हम आम जबान में हम बोलें, अगर हम आम लैंग्वेज में अगर बोलें तो वो बिजली फराहम करने वाले। तो भाई वैसे अगर देखा जाए तो उनके हमारे पर बहुत एहसान आते हैं, ख़ास तौर पर गरीब आवाम के ऊपर। जो गरीब आवाम होते हैं, जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास होते हैं लोग, उनके ऊपर उनके बहुत एहसान आते हैं। वो एहसान कैसे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि ये आपको दिन में 3 से 4 या 5 घंटे की बिजली दे रहे हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है अब हर इंसान को मरकर कब्र में जाना है और कब्र में 1 मिनट की भी लाइट नहीं होगी, तो ये असल में आपको बता रहे हैं कि लाइट का आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो बिजली आप क्या करोगे। तो ये अभी से हमें आदि कर रहे हैं कि भाई बिजली नहीं होनी चाहिए। तो ये 4-5 घंटे की जो बिजली दे रहे हैं ना, क्योंकि कब्र में तो 1 मिनट की भी नहीं होगी, तो अगर ये 4-5 घंटे की अगर आपको दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो भाई इस एहसान को हमें मानना चाहिए कि 4-5 घंटे की हमें लाइट भी मिल रही है। तो दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा इनका एहसान है कि भाई वो एहसान ये है कि बिजली के जो बिल हैं वो आप इतनी सी बिजली यूज़ करो और 7,000 पे आते हैं, तो उस ये है कि अगर आप ज़्यादा बिजली यूज़ करोगे तो ज़्यादा बिल आएगा। मतलब आजकल की महंगाई के हिसाब से अगर बात की जाए तो इतनी महंगाई है, और अगर 20-22 घंटे की या 24 घंटे की बिजली मिलना शुरू हो जाए तो फिर, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऐसे ये आराम से कर सकते हैं। 20-22 घंटे की तो नहीं, 13-14-15-16 घंटे की तो आपको बिजली दे सकते हैं। तो अगर नॉर्मल बिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4-5-6 घंटे के अंदर अगर आपको 8-9 हज़ार 10 हज़ार का बिल अगर आपको आता है, तो फिर सोचो कि अगर आपको बिजली ज़्यादा मिलेगी तो फिर बिल कितना आएगा, तो फिर गरीब आवाम कहाँ से पे करेगी। तो फिर ये लोग थोड़ा सा इन्होंने हल्कात रखा हुआ, और ये एहसान मानो आप कि कम बिजली आप यूज़ करोगे तो आपका बिल भी कम आएगा। और कुछ जगहों पे तो उन्होंने ज़्यादा ही एहसान कर दिए हैं कि उनको बिजली भी 4-5 घंटे 6 घंटे मिलती है, और उनके बिल जो है ना वो पूरे पूरे मतलब ठीक ठाक तरीके से वो लेते हैं। तो वो इसलिए होते हैं, मैंने सोचा इस बात को कि वो इसलिए होते हैं कि भाई अगर आप बिजली का बिल नहीं भरोगे तो वो यानी कि जो पैसे होंगे आपके, आपने समझो आपका 4-5 हज़ार का बिल आ गया, अगर आपका 3-4 हज़ार का बिल आ गया तो बाकी के पैसे आप उड़ाओगे, इसराफ करोगे, फजूल खर्च करोगे। तो ये क्या करते हैं, वो आपके फजूल खर्च को बचाने के लिए ये बिजली का बिल की मद में आपसे ले लेते हैं, तो आप फजूल खर्च और इसराफ से बच जाते हो। तो ये इनके दो एहसान हो गए। ऐसे वैसे बहुत सारे एहसान आते हैं, मैं गिना गिना के थक जाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि माशाल्लाह सर्विस, ओह ऐसी ज़बरदस्त सर्विस है, आप गलती से आपको ज़रूरत पड़ जाए इनके सर्विस सेंटर कॉल करने पर, तो मैं आपको सर्विस सेंटर का बताता हूँ। भाई सर्विस सेंटर पर अगर आपने कॉल की तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, काम बहुत है ना, काम उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो काम बहुत ज़्यादा होने की सूरत में फ़ोन नहीं उठा पाते। और नसीब से आपका अगर फ़ोन लग गया तो बंदा इतना मीठा और इतना तरीके से बात कर रहा होगा ना, ऐसा लगेगा कि आपने एंटार्क्टिका फ़ोन कर दिया है, इतना ठंडा तरीके से बात करेगा आपको, चलेगा एंटार्क्टिका पे आपने फ़ोन कर दिया है। फिर उसके बाद भी आपने एंटार्क्टिका पे फ़ोन कर लिया, आपने बात कर ली, फिर आप उसको जितनी भी गालियाँ दो, जितना भी सुनाओ, कुछ भी बोलो, आपको उफ़ भी नहीं बोलेगा, आपको यही बोलेगा सर सॉरी माजरत, हमारी तरफ से आपको तकलीफ़ हो रही है, हमारी वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो हम आपका काम ठीक कर देंगे, ये वो आपको लाड़े लप्पे आपको देता रहेगा, आपको कुछ बोलेगा नहीं। आजकल के दौर में आप किसी को गाली दो, अगर आप उसको किसी उस ऑपरेटर को अगर आप गाली भी दे दोगे ना तो कुछ नहीं बोलेगा, सर सॉरी सर हमें समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आप आम जैसे चलते फिरते आप किसी को गाली दे दो, ओ भाई वो माँ बहन भाई भाई बच्चे बच्चे सब लेके आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा, आजकल के दौर में किसी को कुछ बोलने का ऐसा क्या है। लेकिन फिर भी देखो केलेटिक वाले इतने ठंडे हैं, बिजली वाले से ठंडे कि आपको कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको सॉरी सॉरी करके आपको टरका देंगे। फिर उसके बाद आपको देंगे वो एक कंप्लेंट नंबर,
ये कंप्लेन नंबर के पीछे एक राज है। ये जो कंप्लेन नंबर देते हैं ना भाई, ये कोई आम कंप्लेन नंबर नहीं होता। ये कंप्लेन नंबर भाई ये लकी ड्रॉ का नंबर है। 50 साल के बाद ये अनाउंसमेंट करेंगे और कुरानदाजी करेंगे, और लकी ड्रॉ में जिसका वो नंबर आएगा ना उसको ये एक महीने की बिजली फ्री देंगे। ये तभी वो कंप्लेन नंबर दे रहे। तो भाई ये कंप्लेन नंबर जो देते हैं ना उसको संभाल के रखें, ये वो लकी ड्रॉ है। हो सकता है उसके अंदर बहुत इनाम निकले, हो सकता है कि उसमें LED निकल जाए उस कंप्लेन नंबर के अगेंस्ट। तो भाई वो कंप्लेन नंबर जमा करके रखें, क्या पता आपको 50-60 साल के बाद वो जब कंप्लेन नंबर के अगेंस्ट आपको कुरानदाजी करें तो आपको कुछ इनाम निकल जाए। तो भाई ये हमारी जो बिजली फराहम करने वाली जो हमारी कंपनियाँ हैं भाई, ये कोई नॉर्मल कंपनियाँ नहीं है भाई। इनके इन्होंने बहुत सारे एहसान हम पे किए हैं, हमें शुक्र करना चाहिए कि ऐसे लोग मिले, वरना तो फिर हम कहाँ जाते, हम तो आदि बन जाते लाइट के भी, इसके भी, उसके भी। अब देखो लाइट होती नहीं है, अगर इतनी गर्मी आजकल कराची में तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो अगर बिजली होगी तो आप पंखा और AC ऑन करेंगे, और पंखा AC ऑन करेंगे तो फिर आप बाहर काम पे जा नहीं सकेंगे। कुछ काम अगर आपको होगा तो आप गर्मी को देख के और आप रुक जाएंगे घर पे, और अगर बिजली नहीं होगी तो फिर आपको जो काम है वो आप करने के लिए जाओगे, आप पंखा तो और AC तो ऑन नहीं कर सकते। तो भाई ये सब चीज़ों को नोट किया करो, ये इनके बहुत बड़े भाई काम है। अब जैसे कि बारिश, अगर कराची में बहुत तेज़ बारिश हो जाए पूरे पाकिस्तान में ले लो, बिजली गायब हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? खंभों में करंट आ जाता है। अब किसी को खंभे से करंट लग गया तो फिर वो तो बेचारा शार्ट हो जाएगा ना, दुनिया से शार्ट हो जाएगा। तो फिर ये लोग बिजली बंद कर देंगे, नहीं भाई कोई खंभे को हाथ लगा तो उसको करंट ना लगे। तो भाई ये सब चीज़ें देखी जाती है, इसको पॉजिटिव पे ले जाओ। तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, बस जो है यही है, जो हो रहा है यही हो रहा है। तो भाई इस वीडियो को एंजॉय करें, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।